हेलो स्टूडेंट, अभी हमने चैप्टर एक्सप्लेन किया था, तो अभी हम इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस देखते हैं। ये आपकी बुक है एनवायरमेंटल स्टडीज़। अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। अब यहाँ पे आपको अपनी फैमिली की डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है। सबसे पहले माय नेम इज़, यहाँ पे आप अपना नेम फिल करोगे। देन माय फैमिली इज़ अ स्मॉल फैमिली, अब यहाँ पे मैंने स्मॉल फैमिली लिखा है। आपकी फैमिली अगर बिग है तो आप यहाँ पे बिग भी फील कर सकते हो। देन थर्ड वाला, देयर आर डैश मेंबर इन माय फैमिली, आपकी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं आपको उतने यहाँ पे लिखने हैं। फोर्थ वाला, आई हैव डैश सिस्टर और सिस्टर्स, अगर आपकी एक सिस्टर है तो आई हैव वन सिस्टर आएगा, अगर आपकी दो सिस्टर है तो आई हैव टू सिस्टर्स ये आएगा। अगर आपकी नहीं कोई सिस्टर नहीं है तो आप ये कॉलम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं या नो सिस्टर लिख सकते हैं, ठीक है, नो वर्ड फिल कर सकते हैं आप इसमें। फिफ्थ वाला है, माय फादर्स नेम इज़, यहाँ पे आपके पापा का नाम आएगा। सिक्स वाला, आई कॉल माय फादर, आप अपने पापा को क्या कह के बोलते हैं वो लिखना है आपको, पापा या डैडी इस तरह से। सेवन वाला, माय मदर्स नेम इज़, आपकी मम्मी का नाम लिखना है यहाँ पे। देन एट वाला, आई कॉल माय मदर, आप अपनी मम्मी को क्या कह के पुकारते हैं, मम्मी या मम्मा या कुछ और, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नाइन वाला, माय सिस्टर इज़ डैश ईयर्स ओल्ड, अगर आपकी सिस्टर है तो आप वो कितने ईयर्स की है वो ईयर्स आपको यहाँ पे फिल करने हैं, जैसे 1, 6, 5 कितने भी ईयर्स की हो आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर नहीं है तो आप ये कॉलम ब्लैंक छोड़ दीजिए डैश लगा के। 10 वाला, अ फैमिली इज लाइक अ ट्री, एक फैमिली एक ट्री की तरह होती है, ट्री में कैसे टहनियाँ होती है वैसे ही हमारी फैमिली में मेम्बर्स होते हैं, ठीक है। अब है एक्सरसाइज नंबर 2, इसमें क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं अपने फैमिली के बारे में। सबसे पहला वाला है, इज़ योर फैमिली बिग और स्मॉल, अब पीछे मैंने आपको बताया था अगर आपकी फैमिली है स्मॉल तो स्मॉल लिखना है, अगर नहीं है तो आप इसमें बिग भी लिख सकते, तो आपका आंसर ऐसे होगा माय फैमिली इज़ अ बिग फैमिली, जैसे पीछे वाला आंसर आपने बोला था वैसे आप यहाँ पर फील कर सकते हो। सेकेंड वाला, वॉट इज़ द नेम ऑफ योर फादर, आपके पापा का नेम डिटेल्स में लिखना है, माई फादर नेम इज़, और वहाँ पे आपका पापा का नेम आएगा। थर्ड वाला, वॉट इज़ द नेम ऑफ योर मदर, अब यहाँ पे भी माई मदर नेम इज़ और आगे आपकी मम्मी का नाम। फोर्थ वाला है, हु कुक्स फूड फॉर योर फैमिली, सो माई मदर कुक्स फूड फॉर माई फैमिली। फिफ्थ वाला, हाउ डू योर फादर हेल्प यू, माई फादर हेल्प्स मी इन स्टडीज़, मेरे पापा मुझे स्टडीज़ में हेल्प करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 है, हु एम आई, अभी आपको बताना है कि वो फैमिली का कौन सा मेंबर है, सो चूज़ द ऑप्शंस भी दिए इन्होंने, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट। फर्स्ट वाला है, आई वॉक विद अ स्टिक, I also tell you stories. कौन है जो स्टिक लेके वॉक करता है और वो आपको स्टोरीज भी सुनाता है, तो वो है हमारी ग्रैंड मदर। सेकेंड वाला, I help you in studies. हमारी स्टडीज़ में हमारी हेल्प कौन करता है, तो फादर, अब मदर भी लिख सकते हैं क्योंकि कई कई जगह मदर मम्मी भी आपकी हेल्प करती है स्टडीज़ में। थर्ड वाला, I cook food for you. खाना हमारे लिए कौन बनाता है, तो मदर। ओके, तो ये एक्सरसाइज यही फिनिश होती है। थैंक यू।